हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। इवैल्यूएट एक्स वाई एक्स प्लस वाई y x प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आप इवैल्यूएट यानी एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जितना सिंप्लीफाई करेंगे उससे आपको इवैल्यूएट करने में आसानी होगी। तो देखिए, आपको ये दिख रहा है कि अगर आप रो वाइज प्लस करते हैं या कॉलम वाइज प्लस करते हैं तो आपके पास ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई मिल रहा है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, तो आर वन में चेंज कर दिया, आर वन में आर टू और आर थ्री जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आर वन में जाकर प्लस होगी, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी ये जो एलिमेंट थे और ये जो एलिमेंट थे जाकर आर वन में प्लस हो गए। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, दैट इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेकिंग कॉमन ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई फ्रॉम आर वन, तो आर वन में से कॉमन ले लीजिए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहां पर क्या रह जाएगा वन 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 एंड दिस इज वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई। और जैसे ही आपके पास ये वन वन बन जाते हैं तो आपको क्या करना है, इनको जीरो बनाना है, कॉन्टिन्यू जीरो बना दीजिए। तो कॉन्टिन्यू जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी वन चेंज कर रहे हैं सी वन माइनस सी टू एंड सी टू में चेंज कर रहे हैं सी टू माइनस सी थ्री। तो ये वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी वन में चेंज आएगा सिर्फ और सी टू में चेंज आएगा, सी थ्री में कोई चेंज नहीं, इसलिए सी थ्री एज इट इज। नाउ वन माइनस वन इज जीरो, वाई माइनस दिस इज माइनस एक्स और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाई रह जाएगा। नाउ दिस माइनस दिस इज जीरो, दिस माइनस दिस इज वाई एंड दिस इज बिकम एक्स माइनस वाई। जैसे ही आपके पास कॉन्टिन्यू जीरो बन गई, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, उससे पहले भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन मिनिमम दो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास कॉन्टिन्यू जीरो बन जाती है तो वो बहुत अच्छा रहता है एक्सपेंशन करने में, तो एक्सपेंड कर दीजिए अभी से, एक्सपेंड अलोंग आर वन। तो यहाँ जीरो है आपके पास, यहाँ जीरो है तो वन ही आपके पास आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस जीरो आप लिखेंगे ब्रैकेट में कुछ भी होगा जीरो ही हो जाएगा। सिमिलरली हियर तो हम लोग वन लिखेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला जो रो है इसको हटाकर आपके पास दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो दैट इज बिकम एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज बेसिकली इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट वन एक्स वाई नेक्स्ट रो वन एक्स प्लस वाई वाई नेक्स्ट रो वन एक्स एक्स प्लस वाई। देखिए यहां पर पहले से ही क्लियरली आपको वन 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 दे रखा है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इनको जीरो बना देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, आर वन में चेंज कर देते हैं, आर वन में से आर टू को लाकर माइनस, तो आर वन में आर टू जाकर माइनस हो रही है और आर टू में आर थ्री जाकर माइनस हो रही है, तो आर टू में चेंज आर टू माइनस आर थ्री, तो इसके सारे एलिमेंट आर टू में जाकर माइनस रहेंगे बट आर थ्री में कोई चेंज नहीं है, इसलिए पहले आर थ्री को एज इट इज लिख दीजिए। तो आर थ्री एज इट इज, आर वन में से आपने आर टू माइनस कर दी और आर टू में से आर थ्री, तो ये रिजल्टेंट आपके पास आ गया। देन एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि दो कॉन्टिन्यू जीरो आ चुके हैं आपके पास, दैट इज जीरो एज इट इज। नाउ यहां पर साइन चेंज रहेगा, दैट इज बिकम वाई, ये रो और ये कॉलम हटने के बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस एंड सिमिलरली जीरो, ये आंसर आपके पास आ रहा है एक्स वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट। नाउ आपको प्रूव दैट है तो आपके पास राइट हैंड साइड भी है, अब तो आपको पता है कि आपको क्या प्रूव करना है। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है इक्वल टू बीटा माइनस गामा, गामा माइनस एल्फा, एल्फा माइनस बीटा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, जैसा कि हमें कहा गया कि एल्फा माइनस बीटा चाहिए। देखिए ऐड करने का कुछ भी यहां पर फायदा नहीं क्योंकि आप ऐसे ऐड करते हैं तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, बट दैट इज बिकम एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दैट इज नॉट एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि इसे एल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दिस ये जो आर वन है इसमें से आर टू माइनस करने पर आपको एल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा। तो हम लोग आर वन में चेंज कर रहे हैं, आर वन में आर टू को लाकर माइनस कर रहे हैं और आर टू में से आर थ्री माइनस कर रहे हैं। देखिए जब आप R1 में से R2 माइनस करेंगे दैट इज बिकम अल्फा माइनस बीटा, दैट इज बिकम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज बिकम बीटा प्लस गामा माइनस गामा प्लस अल्फा, दैट इज बिकम बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली R2 में से R3 माइनस करेंगे दैट इज बिकम बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड गामा माइनस बीटा।
यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपके पास एज इट इज। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ऐसे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हेयर ऑल्सो बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज बिकम अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते ही ये बन जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा। तो इनसे माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, अल्फा माइनस बीटा बन गया। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया, बीटा माइनस गामा, आर थ्री एज इट इज। नाउ देखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, taking alpha minus beta common from R1 and beta minus gamma, beta minus gamma, beta minus gamma. तो टेकिंग बीटा माइनस गामा फ्रॉम आर टू। तो अल्फा माइनस बीटा आपने आर वन में से कॉमन ले लिया और बीटा माइनस गामा आपने आर टू में से कॉमन ले लिया, दिस इज योर प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो आपने कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन आपके पास बन गई। अब आप जीरो बना सकते हैं क्योंकि वन वन है आपके पास। तो हम लोगों ने क्या किया, आर वन में से आर टू को लाकर माइनस कर दिया। तो आर वन में से आर टू माइनस, दैट इज बिकम जीरो एंड दैट इज बिकम अल्फा माइनस गामा एंड दैट इज बिकम ऑल्सो जीरो। अब देखिए यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अल्फा माइनस गामा जीरो के मल्टीप्लाई में चल रहा था बट जीरो की वजह से नजर नहीं आ रहा, यहां पर भी अल्फा माइनस गामा ऐसा मान लिया जा सकता है। तो यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस गामा। तो ये रह गया जीरो वन जीरो और बाकी आर टू और आर थ्री तो आपके पास एज इट इज है। देखिए आपको राइट हैंड साइड में चार चीजें चाहिए थी, अल्फा माइनस बीटा डन, बीटा माइनस गामा डन, आपको चाहिए गामा माइनस अल्फा और यहां चल रहा है अल्फा माइनस गामा, वो कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। बाकी आपके पास रिमेनिंग एक ही चीज रह गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो चार चीजों में से तीन चीजें आप प्रॉपर्टी की मदद से ले चुके हैं, चौथी चीज हम एक्सपेंशन से ले लेंगे। तो आप इसे अब एक्सपैंड कर दीजिए, दो जीरोस आपके पास बन चुकी हैं, इसे एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करके आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और एक ये माइनस है तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वन प्लस पी वाई क्यू, जेड जेड स्क्वायर वन प्लस पी जेड क्यू, ये आपको प्रूव करना है। वन प्लस पी एक्स वाई जेड विद इन ब्रैकेट, एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट, वाई माइनस जेड विद इन ब्रैकेट, जेड माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट। तो देखिए आपके पास यहां पर एक खास बात है कि यहां पर जितनी भी टर्म है आपके पास उसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, यहां पर भी सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ ये कॉलम C3 है जिसमें दो दो एलिमेंट्स हैं, हर हर एलिमेंट में दो आपके पास एलिमेंट है। तो इस वाले कॉलम को आप स्प्लिट कर सकते हैं, यहां पर स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लोग इसके दो डिटर्मिनेंट तोड़ रहे हैं बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी जहां पर आपके पास अगर किसी कॉलम में या रो में एक एलिमेंट के अंदर दो टर्म्स हो तो आप उन्हें दो पार्ट में स्प्लिट या तीन पार्ट में जितने भी रिक्वायर्ड पार्ट होते हैं उतने में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पी नहीं है और सिर्फ इस वाली टर्म में आपके पास पी है, तो ये अलग किया जाना चाहिए। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी होती है ईच एलिमेंट ऑफ C3 कंटेन टू एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ C3 कंटेन टू एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी स्प्लिट इनटू टू डिटरमिनेंट। तो उस डिटरमिनेंट कैसे स्प्लिट होते हैं, C1 और C2 एज इट इज। नाउ C1 का ये वाला पार्ट एक डिटरमिनेंट में आ जाएगा प्लस दूसरा वाला पार्ट जो है वो दूसरे डिटरमिनेंट में आपके पास चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों की लग गई। अब देखिए यहां से तो कुछ कॉमन नहीं है लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन। तो हम लोगों ने क्या करा, टेकिंग कॉमन x, y एंड z फ्रॉम R1, R2, R3 फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2, ये मेंशन करना जरूरी है बिकॉज आपके पास दो डिटर्मिनेंट हो चुके हैं। तो x, y, z आप लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1 1 1 x, y, z पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपके पास कॉलम में से पी भी कॉमन आ रहा है तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3 पी, टेकिंग पी कॉमन फ्रॉम C3 फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2, तो यहां से हम लोगों ने पी भी कॉमन ले लिया तो हो गया पी एक्स वाई जेड और ये रह गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड दैट इज बिकम एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट मोर ऑर लेस सेम है, सिर्फ पोजिशनिंग का डिफरेंस है। तो पोजिशनिंग अगर सेम कर दी जाए तो इन दोनों चीजों में से आप ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले सकती हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट 1 में चेंज कर दीजिए, डिटर्मिनेंट 2 में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट 1 को चेंज कर रहे हैं, हम लोग C2 को C3 से इंटरचेंज करेंगे। अगर हम ऐसा इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा। एक और प्रॉपर्टी हमने लगा दी साइमल्टेनियसली, C1 को C2 से चेंज कर दिया जब आपके पास वो रिजल्टेंट आया तो आपके पास एक और माइनस बाहर आ जाएगा। तो दो बार माइनस बाहर आने से वो प्लस हो जाएगा और ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा बन जाएगा। अब आप देखिए आप ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में डिटर्मिनेंट एकदम सेम है तो इसमें से डिटर्मिनेंट आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट कॉमन लिया यहां क्या रह गया आपके पास 1 और यहां रह गया आपके पास पी एक्स वाई जेड। तो आपको जो राइट हैंड साइड पे चाहिए उसमें से एक चीज तो आपके पास आ चुकी है। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आप देखिए 1 1 1 चल रहा है आपके पास, इसको जीरो बना दीजिए। तो अगर आप जीरो बना देते हैं
तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, उसके बाद एक्सपैंड करने में आपको आसानी होगी। तो आर वन में चेंज कर दीजिए आर वन माइनस आर टू, और आर टू में चेंज कर दीजिए आर टू माइनस आर थ्री, तो आपके पास ये कॉन्टिन्यूस जीरो बन जाएगा। और कॉन्टिन्यूस जीरो बनने के साथ का एक और बेनिफिट आपका हो गया कि आपके पास देखिए यहां पर एक्स माइनस वाई बन गया, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच कैन बी राइट एज रिटन एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है वाई माइनस जेड। फिर जो आपके पास रिमेनिंग रह गया उसे आप एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी तीन चीजें आ चुकी थी, सिर्फ z माइनस एक्स बचा था जो आपकी एक्सपेंशन से आपको मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब देखिए अगर आप इस तरीके से ऐड कर रहे हैं तब भी आपको एक बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरीके से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा अगर आप रो वाइज ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसे कॉलम वाइज पिक करा क्योंकि उसी में बेनिफिट है, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो सी वन में चेंज कर रहे हैं हम लोग, सी वन में क्या चेंज हो रहा है, इसमें सी टू और सी थ्री आकर प्लस हो रहा है, दैट कॉलम बिकम ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी सी टू एंड सी थ्री एज इट इज। तो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया आप लोगों ने, वन 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 बन गया। जैसे ही वन 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 बना जीरोस बना दीजिए, तो R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, R2 में से R3 माइनस कर दीजिए, आपके पास जीरो जीरो आ जाएंगे आपके पास, और आपके पास कोई और वैल्यूज भी आ गई। अब आपके पास जैसे ही कॉन्टिन्यू जीरो बना आप उसे एक्सपेंड कर दीजिए, कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये जीरो है यहां पर आपके पास माइनस होता है तो इसके साइन चेंज हो गए आपके पास। नाउ दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस, नाउ सिमिलरली ये आप एज इट इज लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो, तो ये इंटू ये माइनस ये, एक्सपेंड करके आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वन वन प्लस पी, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये आपको प्रूव करना है वन के इक्वल। तो देखिए यहां पर आप स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर दो एलिमेंट है, यहां तीन एलिमेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम टू को स्प्लिट कर रहे हैं, तो वी राइट ईच एलिमेंट ऑफ सी टू कंटेन टू एलिमेंट। तो ये डिटर्मिनेंट दो में ब्रेक हो जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ये पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा और ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो सेकंड डिटरमिनेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट एज इट इज, इसमें आप देखिए आप पी कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग पी कॉमन फ्रॉम सी टू फ्रॉम डिटरमिनेंट टू, जैसे ही आपने कॉमन लिया पी को, आपका सी वन और सी टू एलिमेंट एकदम सेम हो गया। इफ टू एलिमेंट्स, इफ टू रोज और कॉलम्स आर सेम, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट टू था ये आपके पास जीरो हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ डिटर्मिनेंट वन बचा है। इसमें भी आपके पास ये जो चीज है इसमें तीन एलिमेंट है, सब स्प्लिट कर सकते हैं, तो हमने लोगों ने इसे तीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया। आपके पास सी वन सी टू एज इट इज रहेगा, फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में वर फोर टेन आ जाएगा, सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में पी थ्री पी सिक्स पी आ जाएगा, और थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में क्यू टू क्यू और थ्री क्यू आ जाएगा। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, पी, और यहां से आप कॉमन ले सकते हैं क्यू। तो वी राइट टेकिंग कॉमन पी फ्रॉम डिटर्मिनेंट टू एंड टेकिंग कॉमन क्यू फ्रॉम सी थ्री फ्रॉम डिटर्मिनेंट थर्ड। तो आपने जैसे ही कॉमन लिया तो आप देखिए डिटर्मिनेंट टू को, इसमें आपके पास सी टू और सी थ्री सेम हो रहा है, तो ये भी जीरो हो गया आपके पास, और यहां पर क्या है सी वन और सी थ्री सेम हो रहा है, तो ये भी आपके पास जीरो हो गया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिए दैट इज बिकम जीरो। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट रह गया जिसमें वन वन है आपके पास, तो कॉन्टिन्यूस जीरो बना लीजिए, सी वन में से सी टू माइनस कर दीजिए, सी टू में से सी थ्री, देन एक्सपेंड कर दीजिए, वी गेट द आंसर दैट इज वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज आपको प्रूव करना है जीरो के इक्वल, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। तो देखिए ये आपके पास एक सिंगल अल्फा चल रहा है, यहां पर भी थीटा सिंगल है, सिर्फ यहां पर डबल चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस बीटा कॉस ओ माइनस साइन बीटा साइन दिस। नाउ सिमिलरली आप इस तरीके से फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब आप देखिए यहां पर जो C3 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास दो दो एलिमेंट्स हैं, तो आप इसे दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दीजिए, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। C3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक एलिमेंट में आ जाएगा, प्लस दूसरा जो पार्ट है वो सेकेंड डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब देखिए यहां से आपके पास दैट पोर्शन इज कॉमन, तो ये आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकालने के बाद जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास C2 एंड C3 सेम हो जाएंगे, दैट डिटर्मिनेंट बिकम जीरो, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे आप डिटर्मिनेंट टू में से
साइन वाला कॉमन निकालेंगे, आपके पास फर्स्ट माइनस साइन दिस कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और आपके पास थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो बिकम जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, दैट इज योर राइट हैंड साइड. थैंक यू सो मच गाइस.